नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास पेटीवाले। आज की वीडियो में आप देखेंगे वॉलपेपर। दोस्तों आज घरों हर घर में वॉलपेपर लगाने की परंपरा चालू हो गई, हर घर में वॉलपेपर लगाते हैं। ये मैंने भी वॉलपेपर लगाया, 3D वॉलपेपर है, ये मैंने खुद लगाया है। ये आधे पोर्शन में लगाया, आधे पोर्शन में लगाना बाकी है, मैंने खुद से अपने हाथों से लगाया है। और एकदम ये लगाना एकदम सिंपल है, बेस्ट है, ईजी है। और ये इसके कॉस्ट है 300 रुपीज। दोस्तों मैं सच में बता रहा हूँ, इसकी कॉस्ट है 300 रुपीज। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बुलाया। यदि आपको पूरा देखना है कैसे लगाना है, कैसे परचेस करना है, इसकी मैं डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आपको बताऊंगा भी, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है, फिर भी आपको दिखाने के लिए देखिए, ये फ्लिपकार्ट से बुलाया मैंने, फ्लिपकार्ट से बुलाया, इसकी अनबॉक्सिंग हो गई, इसलिए मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। 300 रुपीज़ का है वो। 35 सेंटीमीटर बाय 600 सेंटीमीटर। इसको यदि फीट में नापते हैं तो ऐसा यदि करते हैं, इसको 4 फीट मतलब स्क्वायर में निकाल लेते, 4 फीट बाय 7 फीट, 7.5 फीट समझ लो, तो ये 31 स्क्वायर फीट जगह ये कवर कर लेता है 300 रुपीज में। यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 9 रुपये पर स्क्वायर फीट, एक 1 फीट बाय 1 फीट में 9 रुपीज का पड़ता है, ये 9 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ता है ये ऐसा। और फ्लिपकार्ट पे इसे सस्ता वाला लेते हैं तो ये 200 रुपये का पड़ता है उतना ही एरिया, और महंगा लेते हैं तो 300, 400, 500 रुपये में वो इससे अच्छा रहता है। तो लगाने का विधि एकदम सिंपल है, मैं आधा लगा दिया, आधा कैसे लगा दिया आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये इसको खोल के दिखा देता हूँ मैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, इसकी खासियत है ये सेल्फ एडहेसिव है, मतलब इसमें खुद का स्टिकर है, उसके बाद में ये वाटर प्रूफ है, ऑयल प्रूफ है और ये मॉइस्चर प्रूफ है। इसमें ऑयल भी नहीं लगता, वाटर प्रूफ होता है, सब होता है, ये एकदम बढ़िया है, PVC का है ये, इसलिए वॉशेबल भी है, वॉश भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप पैसे कैसे बचा सकते हैं ये रोल, ये स्टिक करने से, यदि 10 बाय 10 फीट की, यदि इसका साइज 10 बाय 10 है तो आपको ये 45 सेंटीमीटर × 600 सेंटीमीटर के 4 रोल लगेंगे 10 बाय 10 के लिए। यदि 12 बाय 12 का है तो उसके 5 रोल लगेंगे, और 15 बाय 10 की है तो उसके 6 रोल लगेंगे। तो 10 बाय 10 का यदि करना है तो ये 1200 रुपये वाले ये 3D स्टिकर लग जाएंगे, इसको मैच करना एकदम बेस्ट है। देखो भाई, एक साइड में लगा दिया, दूसरा साइड मैच करना एकदम बढ़िया है, ऐसा करके इसको मैच भी कर सकते हैं। ये देखिए मैच हो गया इसको इसके साथ में, तो इसको मैच करना भी एकदम सिंपल है। ये देखिए मैच कर सकते हैं, दिखने में बढ़िया है। तो ये आधा मैंने लगा दिया, आधा कैसे लगाना है ये आप एक बार देखिए, ताकि आप घर में बराबर लगा पाएंगे। तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए और स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों ये वॉलपेपर कैसे सिस्टमेटिक लगाना, अकेला आदमी लगा सकता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक साइड में लगा दिया, ये रोल में से एक पार्ट मैंने कट कर लिया, छोटा सा रोल आता है, मैंने इसमें एक पार्ट कट कर लिया, यहाँ से मैंने इसको मेजरमेंट किया नीचे तक और मैंने कट कर लिया, डिजाइन मैच कर लिया मैंने। देखिए ये डिजाइन मैंने मैच कर लिया, देखा इससे एक दूसरे से मैच होता है, ये मैंने ऐसा पीस कट कर लिया है। देखिए ऐसा ऐसा पीस है ये जैसा, और इसका क्या है ये दूसरे साइड में देखेंगे तो इस तरह ये दिखता है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसा करते हैं, ये इसमें स्टिकर रहता है, ये देखिए ये स्टिकर है, तो ये स्टिकर का मैं ऊपर वाला पोर्शन निकाल देता हूँ। बड़ा पावरफुल इसका ग्लू है, एडहेसिव है, एक बार चिपकने के बाद वो निकलता नहीं, इसलिए आपको जो भी चिपक मतलब जैसे लगाना है थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार चिपक गया तो खराब हो जाएगा। और ये कोई यदि दीवार उबड़ खाबड़ है, खराब है, यदि उसमें उभरी है उसमें भी कैसे लगाना है मैं आपको बताऊँ। देखो मेरी दीवार पूरी प्लेन है पर इसमें ये थोड़ा सा ये उभरा हुआ पोर्शन है, इसको भी कैसे लगाना है सिस्टमेटिक वे से मैं आपको बताऊंगा। देखो ये समतल से थोड़ा सा ऊपर है तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा ये इसमें फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद ये आप ट्री देखिए, ये ट्री में ऊपर है, इसका भी ट्री ऊपर है, और इसके साथ मैं मैच करके फिर फिक्स कर दूंगा। थोड़ा सा ध्यान से करना है दोस्तों, ताकि आपका कुछ भी वेस्ट ना जाए। ये देखिए ये पूरा परफेक्ट चिपक गया अभी, तो
इसको नीचे से ऐसे खींचते हैं। पहले मैंने ये फोम लाया, देखिए ये नीचे से इसको खींच सकते हैं एक हाथ से और एक हाथ से चिपका सकते हैं ये फोम से। यहाँ पे क्या है ना, ये दीवार थोड़ी उभी है देखिए, तो इसको कैसे चाहिए, इसको इसमें कैसा पेस्ट करना मैं आपको बता देता हूँ। लेंस से तो भी तो कोई भी लगा देगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर नहीं रहना चाहिए, इसके लिए मैंने ये स्पंज लिया है। देखिए यहाँ पे ये पोर्शन है, तो मैं क्या करूँगा इसको ऐसे फाड़ दूंगा यहाँ से इतना, तो वो अच्छा हो जाएगा। देखिए चाकू से दोस्तों ये जगह समय मतलब ये लेवल से ऊपर आई है, इसमें स्टिकर चिपकेगा नहीं बराबर, तो इसको कैसे चिपकाना मैं आपको बेस पे बता देता हूँ। इससे ये बराबर समतल हो जाएगा। यहाँ पे तो एकदम लेवल भी थी, यहाँ लेवल में नहीं है, तो इसमें भी अपन स्टिकर अच्छे से चिपका सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए।